हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। तो इस सेशन में हमें डिस्कस करना है फरवरी के तीसरे हफ्ते का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शंस हैं 12 फरवरी, 14 फरवरी, 13 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 फरवरी को। चलिए तो अब एक बार हम जितने भी महत्वपूर्ण दिवस फरवरी के महीने में मनाए गए हैं अभी तक, तो उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस और चीनी नववर्ष भी मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को मनाया गया है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और 13 फरवरी को मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड अम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, मनोज तिवारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोज तिवारी। हाँ, अब ब्रांड अम्बेसडर की बात आई तो अभी हाल ही में हुए जितने भी न्यू ब्रांड अम्बेसडर बने उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार, मेडीबडी के ब्रांड अम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, वाटा के दिशा पटानी, गेम्स 24/7 के ऋतिक रोशन बने हैं, हुंडई मोटर इंडिया के आदित्य अशोक, किनारा कैपिटल की रविंद्र जडेजा बने हैं, स्पोर्ट अड्डा मैगजीन के नए ब्रांड अम्बेसडर बने हैं ब्रैटली, फोसेल और वंडरसेफ के ब्रांड अम्बेसडर हैं कृति सेनन, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट तो नीरज चोपड़ा, फिनो पेमेंट बैंक, कृषि नेटवर्क इसके ब्रांड अम्बेसडर कौन है तो पंकज त्रिपाठी, सैनको गोल्ड एवं डायमंड के कौन है तो कियारा आडवाणी, कॉइन DCX के कौन है तो आयुष्मान खुराना, रियलमी के कौन तो KL राहुल और एडिडास के ब्रांड अम्बेसडर कौन बने तो दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शंस हैं 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में एयर इंडिया का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं अक्षय मिश्रा, पंकज गर्ग, इलकर IC या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इलकर IC। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में CBSE अध्यक्ष का प्रभार किसे सौंपा गया है। ऑप्शन है प्रवीण जोशी, विनीत जोशी, राजेंद्र मित्तल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विनीत जोशी को। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदला है। ऑप्शन है कांगो, तुर्की, मोरक्को, इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तुर्की। तुर्की ने अपना नाम बदल के तुर्कीय कर दिया है ना, इंग्लिश में हो गया है टर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में गेमिंग ऐप A23 ने किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन है अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं। उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शाहरुख खान को। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन है लेखक, गायक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो एक गायक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। ऑप्शन है कीगन पीटरसन, हीथर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका के हैं और हीथर इंग्लैंड की है ना, तो इनको पुरस्कार मिला है और इनको महिला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 14 फरवरी, 16 फरवरी, 15 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 फरवरी को। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में दवाइयों की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है। ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नेपाल।
अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में सातवां सदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 17 फरवरी, 19 फरवरी, 15 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 19 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन है गायक, फुटबॉलर, पत्रकार है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 18 फरवरी, 20 फरवरी, 15 फरवरी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिक नीति का अनावरण किया है। ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात ने। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में रवीश तिवारी का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो रवीश तिवारी, ऑप्शन देखते हैं गायक, पत्रकार, फुटबॉलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई है। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अभी क्वाड एक ग्रुप है, इसमें हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ये चार देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है प्रियम गांधी, मोदी, आदिशा दास, डॉक्टर रेखा चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है प्रियम गांधी मोदी। अब कुछ जो इंपोर्टेंट हाल ही में पुस्तकें लिखी गई हैं तो उनके लेखक और पुस्तकों के नेम देखते हैं। तो अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। इंडोमेटेबल किसने लिखी है, तो अरुंधति भट्टाचार्य ने। ममता बियॉन्ड 2021 ये किसने लिखी है, तो जयंत घोष ने। गांधी के हत्यारे टू मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो धीरेन्द्र के झा ने। प्राइड प्रिजुडिस एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर ने लिखी है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी किसने लिखी है, तो सुधा मूर्ति ने। ओरिएंटिंग एंड इंडियन इन जापान ये किसने लिखी है, तो पल्लवी अय्यर ने। द स्प्रिट ऑफ क्रिकेट इंडिया किसने लिखी है, तो स्टीव वॉ ने। द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो हुसैन जैदी ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि हाल ही में ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन है चेतन घाटे, संजय, योहन पूनाबाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी योहन पूनाबाला। ओके तो फ्रेंड्स ये था हमारा फरवरी 2022 के थर्ड वीक का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।